बेटा तुम्हारा स्कूल सुने हैं खुलने वाला है, तो उसके विषय में तुम कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। फालतू में ये लोग स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल को तो गिरा देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है स्कूल खोलने की। क्या बोल रहे हो तुम? अरे अरे पापा मैं बोल रहा था कि फाल और गिर गया हूँ। हाँ तो फाल इन लव विद स्कूल, मतलब मैं स्कूल के प्यार में एकदम से गिर चुका हुआ हूँ। हाँ यही था फाल इन लव विद स्कूल। बेटा अब मुझको लगता है मेरा पैसा बहुत ही वसूल जा रहा है, तुम्हारी इंग्लिश दिन प्रतिदिन बहुत ही स्ट्रांग होती जा रही है। अरे हाँ पापा मेरी अंग्रेजी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, बोलिए तो जो ये स्कूल खुल रहा है उस पर मैं कुछ बोलूँ। अरे हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर दिल खुश हो जाता है। हाँ पापा तो ध्यान से सुनिए, बिकॉज कॉलिंग द स्कूल द आइटम विल बी कम एंड गिव मी लव विद स्कूल, मतलब हम लोगों को स्कूल से बहुत प्यार भी मिलेगा अब सब टीचरों का। बस पापा यही प्यार तो चाहिए टीचरों का बस। सो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से कौन बनेगा मिथ का पति के एक नए एपिसोड में। तो चलिए आज सभी लोगों को फिर से हम लोग पति बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को मैं पति बनाने जा रहा हूँ वो लोग अपनी पत्नी को ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि यार ये संभव नहीं है मैं सभी लोगों की पत्नी को ला कर दूँ। तो अपनी अपनी पत्नी को ढूंढ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो देखते हैं फर्स्ट मिथ को। तो फर्स्ट मिथ है हम लोग का क्लोन स्पेल क्लोन्स विच स्केल्टन, मतलब कि हम लोग का जो स्केल्टन के छोटे छोटे बच्चे या फिर बच्चियाँ दोनों हो सकती हैं वो उसको क्लोन स्पेल हमारा क्लोन कर देता है। तो चलिए चलते हैं अटैक पर। यहाँ पर हमारे पास लेवल 1 का क्लोन स्पेल है, आप लोग जानते ही हो। तो सबसे पहले क्लोन स्पेल डिप्लॉय करते हैं, फिर उसके बाद अपने विच को रखते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे होगे ध्यान से अपनी चील की निगाहों से, तो जो विच के छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं वो भी क्लोन हो जा रहे हैं। सो फाइनली मिथ इज कन्फर्म और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम लोग बच्चों के भी बच्चे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ हम लोगों का यूट्यूब से रिलेटेड है और वो मिथ है कि मिथ मुझे पता है लेकिन नहीं बताऊंगा, पहले तू अपना यूट्यूब की कमाई दे फिर बताऊंगा। तो अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को याद होगा कि मैंने एक मरने से पहले वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि मुझे 9 रुपये टोटल मिल चुके हैं अभी यूट्यूब से। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मिथ की ओर और सच बता रहा हूँ मुझे 9 रुपये ही मिले हैं। तो नेक्स्ट मिथ हम लोग का हॉक्स वर्सेस वेल के विन। तो आप लोग समझ जाइए ये वॉलकिरी है अपनी वॉलकिरी। तो चलिए हॉक्स और वॉलकिरी की लड़ाई कराते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। तो सीसी में है आप लोगों का हॉक्स और फिर यहाँ पर हमारे पास वेलकिरी भी है और यहाँ पर उसको पहले हॉक्स को पास में बुला लेते हैं और पास बुला लेते हैं, काफ़ी पास आ चुका है। तो अब अपनी वॉलकिरी को रखते हैं और देखते हैं इसमें कौन विजयी होता है। तो ये रही वॉलकिरी, गई बहुत ही डैमेज दे रही खतरनाक वाली और फिर अपनी वॉलकिरी जीत गई। सो गाइस फाइनली मिथ इज कन्फर्म, हम लोगों की वॉलकिरी जीत जाएगी, अपना काला सा गंदा सा दिखने वाला हॉग हार जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ हम लोग का यूज 5 रेज स्पेल, यू सी अ सर्कल कमिंग अप। तो चलिए चलते हैं अटैक पर और ये आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास 5 रेज स्पेल है, इसको डिप्लॉय एक ही जगह पर करते हैं। अब उसके बाद ये देखिए ये कितना खतरनाक लग रहा है और ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे एवेंजर में दिखाए थे कि डॉक्टर जादू कर देता था उसमें सिर्फ कुछ निकलने वाला है बाहर, बिल्कुल उसी तरह ये भी दिख रहा है। और फिर इसके ऊपर फ्रेज स्पेल डिप्लॉय करने के बाद कुछ अलग सा दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ है हम लोगों का देयर इज रिपेयरिंग ऑफ क्लॉकवर्क क्वीन इन राइट साइड ऑफ सीनरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने राइट साइड में सीनरी पे कि कहीं पर क्लॉकवर्क क्वीन का कुछ रिपेयर करने का है क्या। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, अच्छा मैं तो भूल गया मैं तो सीनरी लिया ही नहीं हूँ, बहुत गरीबी चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं टॉप जो प्लेयर्स हैं वो लोग लिए होंगे वहाँ से देख लेते हैं, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं, दूसरी की सीनरी को ही देखकर खुश हो जाता हूँ भाई, क्या करूँ अभी। तो ये रहा, ये बंदा लिया है और बढ़िया टॉप प्लेयर्स में भी है। तो
तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने चील की निगाहों से देखोगे तो क्लॉकवर्क क्वीन रिपेयर हो रही है, ये दिखेगा। और फिर इतना ही नहीं, इसमें कुछ आप लोगों को मैं और भी दिखाने वाला हूँ। जो हम लोगों का किंग है वो कच्छा पहनता है, उस कच्छे को भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए उस कच्छे को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये जो किंग है कौन से कंपनी का कच्छा पहनता है। ये रहा, मैं आप लोग को पहले कच्छा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो अपना घर है, घर के पास ये देखिए, तो यहाँ पर घर के बगल में दो कच्छे हैं। मुझे लगता है कि एक ग्रैंड वार्डन का है और दूसरा किंग का है, और दोनों लोग अभी कहीं पर गए हैं घूमने के लिए। तो ये बात आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को, या फिर हो सकता है किसी को पता ही ना हो, तो ये बात का आप लोग ध्यान दिया करिए, ये सब भी देख लिया करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सारे मिथ्स को पढ़ता हूँ, मैं सारे मिथों को पढ़ता हूँ। तो मिथों को पढ़ते पढ़ते मुझे एक बहुत ही अच्छा सा मिथ दिखा। वो मिथ है कि भाई मैं मिथ लिख रहा था तभी भूल गया। बहुत ही बुरा लगा यार, मुझे सच बताऊं, इस मिथ को देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा यार, मिथ लिख रहा था वो बंदा। तो भाई मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको अपना मिथ याद आ जाएगा तो जरूर बोल दीजिएगा उसको, क्योंकि वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ है हम लोग का, हीरो पर लाइटिंग स्पेल का कोई असर नहीं होता। तो चलिए चलते हैं अटैक पर, और फिर लाइटिंग स्पेल को लेकर देखते हैं हीरो पर लाइटिंग स्पेल का कोई असर होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपने किंग के ऊपर ट्राई करते हैं, तो डिप्लॉय करते हैं अपने लाइटिंग स्पेल को, और फिर देखते हैं ये डैमेज देता है या नहीं। ओ भाई साहब, दे रहा है डैमेज, देख सकते हो आप लोग अपने चील की निगाहों से, ये लाइटिंग स्पेल हीरो को डैमेज दे रहा है। सो गाइस, फाइनली मिथ इज बस्टेड, लाइटिंग स्पेल से किंग को बहुत ही बढ़िया वाला डैमेज मिल जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ हम लोग का, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स डोंट प्ले बिल्डर हॉल। तो ये बात सच है यार, बहुत ही कम बंदे लोग बिल्डर हॉल को खेलते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा नहीं खेलता है, खेलते हैं सब लोग, लेकिन बहुत ही कम खेलते हैं। तो नेक्स्ट मिथ हम लोग का, इफ़ यू ट्रेन माइनर्स एंड चेंज द पोजीशन ऑफ आर्मी कैंप द माइनर्स विल वॉक एंड गो नॉट बाय अंडरग्राउंड। तो देख सकते हो आप लोग, हमें माइनर को झोले में भर भर के बनाया है, अब हम लोग आर्मी कैंप के पोजीशन को चेंज करते हैं और देखते हैं ये माइनर कैसे जाता है, अंडरग्राउंड होकर या फिर ऊपर से। तो आप लोग देख सकते हो ये अंडरग्राउंड होकर नहीं जा रहा है, जबकि माइनर की खासियत रहती है कि ये अंडरग्राउंड हो जाता है। सो गाइस, फाइनली मिथ इज कन्फर्म। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। तो सभी मिथ को मैं पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं एक मिथ अपने बेटे को पढ़ने के लिए देता हूँ। ये लो बेटा, एक मिथ तुम। हाँ पापा, लाइए दीजिए, मस्त से पढ़ देता हूँ। यही मिथ है ना, डी जी जे डी आई ई यू डी एच डी ओ एफ आर एच डी जे के एक्स एच एक्स डी डी जी, ये कौन सा मिथ लिख दिया, डी जी आई डी यू डी एच डी ओ एफ आर एच एक्स डी वी बी, ये कोई मिथ होता है? ऐसा मिथ थोड़ी ना लिखा जाता है, मिथ लिखे हैं, ये गलत बात है, ये मिथ ऐसे थोड़ी लिखते हैं कोई। अरे बेटा, तुम्हारे लिए ऐसा ही मिथ सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए चलता हूँ, बाय बाय। आज के वीडियो में जिन लोगों का मिथ नहीं लिया गया है, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि कल के लिया जाएगा। कल में नहीं आएगा तो परसों में आएगा, और आएगा जरूर। तो चलिए चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन, और फोड़ते रहिए सभी का बेस।